हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही सिंपल और टेस्टी हैं। बच्चों को ये बेसन के लड्डू बड़े पसंद आते हैं, तो चलिए आज हम बेसन के लड्डू बनाने का तरीका सीखते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, तो टिप्स ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप बड़े बेसन लिया है और साथ में इसमें हमने 1/2 कप घी लिया है। सबसे पहले हम घी में बेसन को सेक रहे हैं और इसकी फ्लेम हमने मीडियम रखी है, तो आपको भी इसी तरीके से सेकना है और इसकी फ्लेम लो और मीडियम पे ही चलने देना है। साथ में इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है, जिससे कि हमारे पैन में हमारा बेसन चिपके नहीं। जब तक ये सिकेगा, इसकी खुशबू आने लगेगी, तो इसका मतलब ये सिक चुका है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सिकने लगा है, और घी अगर आपको कम लगता है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। मैंने इसी तरीके से 1/2 कप घी और डाला है और इसे अगेन भुना है, तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। सेम आपको इसी तरीके से बनाना है और कम आंच पे इसको पकाते जाना है। जैसे जैसे हमारा बेसन सिकता जाएगा, वैसे हमारा बेसन हल्का होता जाएगा और घी बेसन को छोड़ देगा। इसी तरीके से आपको भी पकाना है और देखते जाना है कि हमारा बेसन सिक गया है क्या। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन काफ़ी अच्छे से सिक गया है और इसमें से घी भी अलग हो गया है। तो अब हम रेडी करते हैं हमारे और सामान के लिए। सेम इसी प्रोसेस को करते हुए कम आंच कर देना है और इसको एक पैन में निकाल लेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि जब तक ये गर्म है तब तक हम इसको लाएंगे। तो देख लीजिए, मैंने इसको काफ़ी अच्छा भुना है और आपको भी काफ़ी अच्छे से भुनना है। इसको भुनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकती है, क्योंकि हम फ्लेम लो रखेंगे, कभी मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखनी है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये ज़्यादा हमारे पैन में नहीं लगे और ये जले ना। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन अच्छे से सिक गया है। तो अब हम इसको अलग कर लेते हैं, एक पैन में इसको डाल लेते हैं, अच्छे से डाल लेते हैं। ये बहुत ही गर्म होता है, इसे आप सावधानी पूर्वक से पैन में डालिए और इसको थोड़ा सा मीडियम ठंडा होने दें, और उसके बाद 1 कप या 1 बाउल आपको पाउडर शुगर इसमें ऐड करना है। गर्म में याद रखें, गर्म में नहीं करना है, इसको हमने मीडियम होने पर ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक हमारा पाउडर शुगर बेसन में नहीं मिल जाता है तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसमें चाहें आप इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, पिस्ताश। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे लड्डू बना के देखते हैं कि हमारे बैटर बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरीके से हम लड्डू बना के देखते हैं। जब ये हमारे एक मुट्ठी बांधने से लड्डू बनने लग जाए, तो समझ जाइए कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से हमने सारा जो मीठा पाउडर शुगर डाला था उसको अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब हम इसे गोल गोल करके लड्डू बनाते हैं। हमें दोनों हाथों से इसको लड्डू बनाना है। आप देखिए, दोनों फिंगर और पूरे हाथ का हमने यूज़ किया। आप चाहें तो 2 फिंगर से भी इसको गोल टच दे सकते हैं। इसको परफेक्ट तरीके से लड्डू बना के हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और घर में बनाए हुए लड्डू की टेस्ट की बात ही अलग है। इसी तरीके से आपको एक एक लड्डू बनाते हुए चलना है। अगर आपको हमारी बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो इस लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, घर में सभी बना के खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी। और ये बहुत ही कम सामान में बनने वाली रेसिपी है, नॉर्मली ये सभी के घरों में मिल जाता है। तो चलिए, आपको इसी तरीके से रेसिपी बनानी है, ट्राई करनी है। अब हम इस बेसन के इसी तरीके से आपको सभी बेसन के लड्डू रेडी कर लेने हैं, और इसको डेकोरेट के लिए हमने पिस्ताज लिए हैं, नट्स लिए हैं, साथ में फॉयल लिया है जिसको हम वर्क बोलते हैं। और अब हम इसको लगा देते हैं। हमने हमारी जो लड्डू की ट्रे है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा आप ध्यान रखें वर्क लगाते समय, क्योंकि मैंने बड़ा इसको लगाया है तो बड़ी कागज़ की सहायता से, तो सेम आपको भी इसी तरीके से लगाना है कि हमारे लड्डू पे वर्क अच्छे से लग जाए। और इसको डेकोरेट किया है, ये हम किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं और बना के स्टोर कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपको पिस्ताज भी लगाने हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। मैंने दो, आप चाहें जो डिज़ाइन दे सकते हैं, डिज़ाइन के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, नट्स लगाएं, पिस्ताज लगाएं, मैंने पिस्ताज लगाई है। सेम आपको भी इसी तरीके से डेकोर करना है और बेसन के लड्डू हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।